साल डेढ़ साल बीतने के बाद कोई स्मारक या उनके नाम पर कोई योजना करना तो बहुत दूर की बात है, जब उन्होंने उनकी प्रतिमा तक नहीं लगाई। मुझे था कि भाई राज्य सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मेरे नेता के जीते जी नहीं तो कम से कम उनके जाने के बाद उनके सम्मान में कुछ तो करेंगे। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उदासीनता उनके प्रति स्पष्ट दर्शाती है कि भाई उनके जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी उनका अपमान करना नहीं भूले। ऐसे में ये वादा मैंने खुद से, मेरे नेता से और हमारे समर्थकों से किया था कि बिहार के हर एक ज़िले में उनकी प्रतिमा लगाऊंगा। शुरुआत हम लोगों ने उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से की थी। जय कह रहे कहाँ जाएं, चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। भाई अभी तो नामांकन शुरू ही हुआ है, किसको वोट दें वही सोच रहे हो। भाई किसको वोट देना है, किसके साथ जाना है, किसका समर्थन करना है, जैसा मैंने कहा इन तमाम बातों पर कल निर्णय मुझे लगता है संभवतः हो जाएगा। भाई हो तो खैर आज ही जाना चाहिए था, पर आप जानते हैं कि मेरे लिए प्राथमिकताएं समय के आधार पर होती हैं और आज मेरे पिता की दूसरी पुण्यतिथि है, इससे बढ़कर मेरे लिए अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब तक उनकी पुण्यतिथि पर जो वादा मैंने उनसे, अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और बिहार की जनता से किया था उनकी प्रतिमा लगाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद हम लोगों को थी, बहरहाल ये गलत उम्मीद थी, मेरी ही गलती है कि मैंने कोई ऐसी उम्मीद पाली भी थी कभी। मुझे था कि भाई राज्य सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मेरे नेता के जीते जी नहीं तो कम से कम उनके जाने के बाद उनके सम्मान में कुछ तो करेंगे। साल डेढ़ साल बीतने के बाद कोई स्मारक या उनके नाम पर कोई योजना करना तो बहुत दूर की बात है, जब उन्होंने उनकी एक प्रतिमा तक नहीं लगाई। जिस व्यक्ति ने 50 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में दिए हों, बिहार बिहारियों के लिए दिए हों, जो छात्र राजनीति में जेपी के साथ जिन्होंने छात्र राजनीति की अपनी शुरुआत की हो, समाजवाद का मजबूत सशक्त चेहरा रहे हों, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिन्होंने निरंतरता में लड़ने का काम किया, और कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर मेरे नेता मेरे पिता ने देश के समाज के गरीब वंचित शोषित लोगों के लिए उन्होंने कार्य करने का प्रयास ना किया हो। ऐसे में उनके जाने के बाद राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उदासीनता उनके प्रति स्पष्ट दर्शाती है कि भाई उनके जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी उनका अपमान करना नहीं भूले। ऐसे में ये वादा मैंने खुद से, मेरे नेता से और हमारे समर्थकों से किया था कि बिहार के हर एक ज़िले में उनकी प्रतिमा लगाऊंगा। शुरुआत हम लोगों ने उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से की थी और ये वादा किया था मैंने कि उनके पैतृक गांव, हमारे पैतृक गांव शहर बन्नी में उनकी पुण्यतिथि के दिन उनकी आदमकद प्रतिमा वहां पर भी लगाई जाएगी। तो मेरे लिए प्राथमिकता आज की तारीख में चुनाव नहीं, वो थे, आज एक बार शाम तक उनकी प्रतिमा वहाँ पर लग जाए, उसका अनावरण हम लोग कर लें। अभी जाते वक्त हाजीपुर भी हम लोग होते हुए जाएंगे, जो प्रतिमा लगाई थी वहाँ पर भी हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जाएंगे। इसके बाद कल से पूरी तरीके से चिराग पासवान आपको चुनावी मोड में दिखेंगे और चुनावी हर रणनीति का खुलासा कल से किया जाएगा।